सितम कर तू जरा और सितम कर दे, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दे। तो दोस्तों फाइनली ऑफिशियली तौर पर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने अपने डिवोर्स का अनाउंस कर दिया है इंस्टाग्राम के माध्यम से। आईपीएल 2024 से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी। T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी नताशा को जीत के जश्न से दूर देखा गया था। अनंत अंबानी की शादी में भी हार्दिक को अकेले ही देखा गया था। अब दोनों ने ही ऑफिशियली तलाक को पुष्टि कर दी है। हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 4 साल साथ रहने के बाद नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हमने पूरी कोशिश की इस रिश्ते को बचाने के लिए और अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। ये हमारे लिए बेहद मुश्किल फैसला था। साथ में बिताए खुशी के पल, आपस की रेस्पेक्ट और एक दूसरे का साथ जो हमने साथ में बिताया और इंजॉय किया, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े। तो अब सवाल उठता है कि दोनों का एक बेटा है तो बेटा किसके साथ रहेगा। तो इसके लिए भी हार्दिक पांड्या ने पोस्ट में आगे लिखा है, यह नताशा और मेरे लिए एक मुश्किल फैसला था। हमने एक परिवार के तौर पर आगे बढ़ते हुए आनंद लिया, एक दूसरे की रेस्पेक्ट की और साथ दिया। हमें अगस्त का तोहफा मिला, वही अब हम दोनों की जिंदगी का सेंटर प्वाइंट रहेगा। एक दूसरे का पूरा साथ देंगे ताकि हम अपने बेटे अगस्त के लिए हर वो काम करें जिससे उसे खुशी मिले। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस संवेदनशील मौके पर आप लोग हमें प्राइवेसी देंगे। तो दोस्तों सब लोग हार्दिक पांड्या के बारे में तो जानते ही हैं, वो हमारे देश के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। अभी 2024 विश्व कप में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था मैच जिताने के लिए। तो जान लेते हैं नताशा के बारे में कि नताशा स्टैनकोविक कौन है। नताशा का जन्म 4 मार्च 1992 को सर्बिया में हुआ था। उनकी बॉलीवुड में पहली फिल्म सत्याग्रह थी। इसके अलावा वो बिग बॉस सीजन 8 में और नच बलिए के सीजन 9 में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू से उन्हें ज्यादा पॉपुलरिटी मिली थी। हार्दिक और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी, यहीं से दोनों के बीच लव स्टोरी शुरू हुई थी। और 2020 में उन्होंने मैरिज किया था जिस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था पूरे देश में। इनका मैरिज ईसाई धर्म के हिसाब से भी हुआ था और हिंदू धर्म के हिसाब से भी हुआ था। कोर्ट मैरिज भी किया था, अलग अलग तरीके से इन्होंने शादी भी किया था। बेचारे हार्दिक पांड्या ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरी कोशिश किया, लेकिन क्या करें, एक तरफ से सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है, दोनों तरफ से वो हो तो अच्छी बात होती है। खैर देखने वाली बात ये होगी कि हार्दिक पांड्या दूसरी शादी कब करते हैं। और अपडेट के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।